हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल स्टार्ट विद आर्ट सो आज की जो वीडियो है ये वीडियो होने वाली है आपकी बंगाल स्कूल और कल्चरल नेशनल के ऊपर ठीक है इससे पहले मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं फाइन आर्ट्स थियोरी के क्लास ट्वेल्थ के जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है ग्राफिक प्रिंट्स के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है बंगाल राजस्थानी स्कूल के ऊपर पहाड़ी स्कूल के ऊपर पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया है मॉक टेस्ट पेपर ठीक है और मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट वाला जो थीम है उसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं आज का जो टॉपिक है वो है बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड एक चीज़ बता दूँ जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी है मॉक टेस्ट पेपर वाली उसमें एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी ठीक है उसका आंसर जो है वो अवनिंद्र नाथ है जो जर्नीज़ एंड है वो अवनिंद्र नाथ ने बनाई है ना कि गगनेंद्र नाथ ने ठीक है सो so, उसको आप करेक्ट कर लेना मैंने उसमें भी मैंशन कर रखा है कॉमेंट्स में तो देख लेना जो बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं ठीक सो so, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग शिव एंड सती शिव और सती जो है वो पेंटिंग किसने बनाई है तो शिव एंड सती इज़ पेंटेड बाय नंदलाल बोस और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके मॉक टेस्ट में ठीक है सो so, जो ये पेंटिंग है शिव एंड सती वो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है जो कि नंदलाल बोस ने बनाई है ये एक माइथोलॉजिकल इवेंट है लॉर्ड शिवा का और उनकी वाइफ सती का पार्वती का यानी कि ठीक है एंड देयर लव फॉर ईच अदर कैन बी फेल्ट थ्रू दिस पेंटिंग और उनका प्यार आपको देखने के लिए मिल सकता है इस पेंटिंग के द्वारा ये जो पेंटिंग है आपको ड्रामेटिक इफेक्ट देती है क्योंकि इसमें टोन्स एंड शेड्स का यूज़ किया गया है बहुत सारे कलर्स यूज़ किए गए हैं येलो रेड एंड वॉयलेट आपको पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेंटिंग के साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी आ सकता है कौन सा मीडियम है या फिर वो पेंटिंग किसके बारे में आपको पेंटिंग का पूरा इफेक्ट आपको पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आपसे नाम पूछ सकते हैं ठीक है उस पेंटिंग में क्या है तो इस तरीके से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लीजिए इन दिस पिक्चर लॉर्ड शिवा एंड सती हैव बिन डिपिक्टेड प्रोमिनटली इन सैड मूड प्रोमिनेंटली इन सैड मूड में दिखाए गए हैं दोनों को ठीक है ये पेंटिंग में भी देख सकते हो आप शिवा जो हैं वो बैठे हुए हैं सिट्स एंड लुक सेट सती वो सती को देख रहे हैं हेल्पलेसली एंड स्ट्रेचेज बोथ आम टू सपोर्ट द बॉडी ऑफ सती हेल्पलेसली देख रहे हैं और अपने दोनों आम को जो है स्ट्रेच करते हैं ताकि वो उनकी बॉडी को सपोर्ट कर सके जो कि लेफ्ट नी पर है उनके एंड और ऑफ लाइट येलो कलर हैज़ बीन शोन बिहाइंड शिवाज हेड एक और दिखाया गया है शिवा के हेड के पीछे ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर्टिस्ट क्रिएटेड द पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड कौन से आर्टिस्ट ने पेंटिंग क्रिएट की है मदर एंड चाइल्ड मदर एंड चाइल्ड जो है वो क्रिएट की गई है जामिनी रॉय के द्वारा तो जामिनी रॉय इसका सही आंसर है तो ये पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड ये एक संथाल मदर है और चाइल्ड है ये फेमस पेंटिंग है इंडियन मॉडर्निस्ट के द्वारा जामिनी रॉय ठीक है ये जो पेंटिंग डिपिक्ट करती है एक प्रोटेक्ट एक चाइल्ड को डिपिक्ट करती है जो कि उसकी मदर के प्रोटेक्टिव आर्म्स में एक तरीके से प्रोटेक्शन में है द बॉन्ड जो मदर और चाइल्ड का दिखाया गया है वो स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट प्रेशियस दिखाया गया है ठीक है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉगेस्ट और मोस्ट प्रेशियस बॉन्ड इन दोनों का दिखाया गया है पेंटर ने बोल्ड स्ट्रोक्स लगाए हैं स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स लगाए हैं रेस्ट्रिक्टेड दैलेट टू सेवन वाइब्रेंट अर्धी कलर सिर्फ सेवन वाइब्रेंटी अर्धि कलर तक ही जो है ये पैलेट इनकी सीमित है कलर आपको देखने के लिए मिलेंगे पेंटिंग में रेड येलो ऑकर कैडमियम ग्रीन वर्मिलियन ग्रे ब्लू एंड व्हाइट ठीक है सो so, इसका आंसर है जामिनी रॉय जो मदर एंड चाइल्ड है वो पेंटेड जामिनी रॉय के द्वारा नेक्स्ट है मेघ दूत वो किसने बनाई है राम गोपाल विजय वर्ग्या ने ठीक है राम गोपाल विजय वर्ग्या सो so, जो ये पेंटिंग मेघदूत है ये इंस्पायर्ड है पोएट जो पेंटिंग है ये इंस्पायर्ड है कालीदास से जिनका जो फेमस प्ले है मेघदूतम ठीक है उससे ये इंस्पायर्ड है जो पेन डिपिक्ट किया गया है पेंटिंग में इज़ अ पेन ऑफ लव इन सेपरेशन विच इज़ वेरी क्लियरली विजिबल ऑन द फेस ऑफ यक्षा द मेल कैरेक्टर ठीक है यक्षा जो बोला था यक्ष यक्षिणी मेल और फीमेल को बोला जाता है पुराने टाइम पे जो स्टैचूज वगैरह भी बनते थे यक्ष और यक्षिणी के जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह के बाहर खड़े होते हैं ठीक है वो यक्ष यक्षिनी के उनको यक्ष यक्ष बोला जाता है ठीक है तो यहां पर यक्षा का जो है एक तरीके से क्लियरली विजिबल पेन दिखाया है कि जब वो प्यार में बिछड़ रहे हैं तो क्या दर्द उनको हो रहा है मेल फिगर इज शोन सेटिंग ऑन द रॉक्स रॉक्स के पास दिखाई गई है विद द क्लाउड्स अराउंड इन अ वेरी इमोशनल मूड एक इमोशनल मूड आपको देखने के लिए मिलेगा उनकी आंखों में आपको टीयर्स देखने के लिए मिलेंगे अपनी बिलब्ड के लिए एंड ही इज राइटिंग फीलिंग्स ऑन द रॉक जो है वो फीलिंग्स लिख रहे हैं रॉक में विद इज राइट हैंड एंड होल्डिंग अ वाइट फ्लावर ठीक है एक वाइट फ्लावर उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है और अपनी फीलिंग्स को एक पत्थर पर लिख रहे हैं वेरी डेलिकेटली उन्होंने फ्लावर को होल्ड कर रखा है बैकग्राउंड ऑज ऑज ऑल्सो वेल कम्पोज विद अ डार्क ब्लू स्काई एंड फ्लाइंग बर्ड्स ठीक है द फीचर्स लाइक हाफ क्लोज आइज थिन शेप्ड आर्म्स एंड लॉन्ग टैपरिंग फिगर्स आर पेंटेड विच इज कॉमनली सीन इन बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ठीक है इस तरीके के फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और जो मीडियम है पेंटिंग का वो है वाटर कलर नेक्स्ट है डैश इज द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग द सिटी इन द नाइट फेमस पेंटिंग के पेंटर है सिटी इन द नाइट के जो सिटी इन द नाइट है वो बनाई गई है गगनेन्द्र नाथ टेगौर के द्वारा ठीक है गगनेन्द्र नाथ टेगौर ये जो पेंटिंग है सिटी इन द नाइट ये पेंटिंग की गई है वाटर कलर में और गगनेद्र नाथ टेगौर के द्वारा बनाई गई है इस पेंटिंग में उन्होंने विजुलाइज कर रखा है सिटी ऑफ द्वारका विच इज अ लॉर्ड क्रिश्नाज लेजेंडरी अबॉर्ड और स्वर्णपुरी भी जिसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है ठीक है टू मल्टी मल्टीपल व्यू पॉइंट्स मल्टी शेप्स एंड जैग्ड एजेस ऑफ क्यूबिज्म ठीक है इसमें बहुत सारे मल्टी फेसिडेड शेप्स देखने के लिए मिलेंगे और एजेस हैं क्यूबिज्म की ही पेंटेड एंड इंटरप्ले ऑफ डायमंड शेप प्लेन्स उन्होंने डायमंड शेप प्लेन्स दिखाए हैं प्रिजमेटिक कलर्स दिखाए हैं रिजल्टिंग इन फ्रेगमेंटेडिक ल्यूमिनोसिटी टू रेंडर द माउंटेन रेंजेस ऑफ द सिटी ठीक है ये सारी कैरेक्ट्रिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगी कि माउंटेन रेंजेस हैं ल्यूमिनॉसिटी को मैनेज किया गया है दिस पेंटिंग इज इल्यूमिनेटेड बाई आर्टिफिशियल लाइट्स विच इज फीचर ऑफ द स्टेज थिएटर ये जो पेंटिंग है इसमें आपको आर्टिफिशियल लाइट्स का थोड़ा सा झलक देखने के लिए मिलेगा जो कि एक स्टेज थिएटर का जो है फीचर है तो ये पेंटिंग है गगनेन्द्र नाथ टैगौर के द्वारा पेंट की गई नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कौन है राजा रवि वर्मा ठीक है राजा रवि वर्मा इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन राजा रवि वर्मा के बारे में थोड़ा सा एटीन एटी फोर में ये बॉर्न हुए थे नाइनटीन जीरो सिक्स में इनकी डेथ हुई थी ये रावण कौर केरला में बॉर्न हुए थे इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो रिवॉल्व करती हैं इंडियन माइथोलॉजी रामायण और महाभारत के ऊपर ठीक है ही वॉज द फर्स्ट पेंटर हु स्टार्टेड क्रिएटिंग द ह्यूमन फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसिस ये तो आपको पता ही होगा कि ये पहले ऐसे पेंटर हैं जिन्होंने गॉड्स एंड गॉडेसिस की पेंटिंग्स बनाई हैं इनकी जो पेंटिंग है सरस्वती और लक्ष्मी जो हैं कैलेंडर्स uh, में इंडियन हाउस होल्ड्स में बेसिकली देखने को आपको मिलती हैं ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट एंड बायोपिक मेड ऑन इज़ लाइफ एज रंग रसिया जो बायोपिक है यानी कि मूवी एक तरीके से है रंग रसिया इनके ऊपर बनाई गई है और उसमें जो स्केचेज़ हैं वो आदित्य चारी सर ने बनाए हैं जो कि एक पेंटर हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेंटर हैं आज के टाइम के ठीक है सो so, इसका आंसर है राजा रवि वर्मा नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन अमृता शेरगिल यहाँ पर जो है पेंटर्स के नाम दे रखे हैं नंदलाल बोस अवरिंद्रनाथ टेगौर एम ए आर चुगताई और यहाँ पर पेंटिंग्स के नाम दे रखे हैं तो आपको टिक करना है कि कौन सा पेंटर ने कौन सी पेंटिंग बनाई है अमृता शेरगिल ने हिलवीमन बनाई है नंदलाल बोस ने पार्थ सारथी बनाई है अवरिंद्रनाथ टेगोर ने जर्नीज एंड बनाई है एम ए आर चुगताई ने राधिका बनाई है ठीक है सो इसका ऑप्शन आ रहा है आपका ए ए का थर्ड बी का फोर्थ सी का सेकेंड और डी का वन तो ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट है द टू फेमस पेंटिंग्स ऑफ राधिका वॉज पेंटेड बाय द फेमस पेंटिंग ऑफ राधिका वॉज पेंटेड बाय विच ऑफ दिस पर्सनैलिटी जो फेमस पेंटिंग है राधिका वो किसने बनाई है अब्दुल रहमान चुगताई ने ये पेंटिंग बनाई है ठीक है ये जो पेंटिंग है राधिका ठीक है इसमें जो है एक लेडी पोर्ट्रेट की गई है एज अ राधा वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लाइटेड लैम्प टू अ ग्लूमी बैकग्राउंड एक लाइटेड जगह से एक वॉक करके वो एक ग्लूमी बैकग्राउंड की तरफ जा रही है यानी कि अंधेरे की तरफ जा रही है एज अ फिन अ ट्रांस और रिमोर्स जैसे कि वो बहुत दुख में है हर फेस इज प्रोफाइल प्रोफाइल फेस दिखाया गया है हर हेड इज डाउन हाफ ओपन आईज दिखाई गई हैं ठीक है ग्रेसफुल एंड हर हेड इज़ बेंट उनका जो हेड है वो बेंट है टू द वेस्ट उनके जो हेयर है वेस्ट तक है शी इज़ होल्डिंग अ लोटस ऑन दैट अ बी इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ श्री कृष्ण जो राधा है उन्होंने गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं और जो टेक्निक इसमें यूज की गई है वो टेम्परा यूज की गई है वाटर वॉश वॉश टेक्निक यूज की गई है वाटर कलर की नेक्स्ट है हु पेंटेड द फेमस फेमस पेंटिंग पेंटिंग किसके द्वारा पेंट की गई है जितेंद्र नाथ मंजूमदार के द्वारा ठीक है जितेंद्र नाथ मंजूमदार के द्वारा रासलीला पेंटिंग पेंट ये जो पेंटिंग है रासलीला ये वाटर कलर पेंटिंग है जिसमें कि डिवाइन लाइफ दिखाई गई है श्री कृष्ण की ठीक है इन दिस पेंटिंग कृष्णा इज डांसिंग विद राधा एंड सखीज इस पेंटिंग में जो है कृष्णा को दिखाया गया है कि राधा के साथ वो डांस कर रहे हैं और सखी के साथ उनकी दोस्तों के साथ डांस कर रहे हैं एंड द बैकग्राउंड ऑफ ट्री सिंपल विलेज एटमोसफेयर एज इलेस्ट्रेटेड इन भगवत पुराण जो बैकग्राउंड है ट्री का वो बहुत ही सिंपल विलेज एटमोसफेयर है जैसे कि भगवत पुराण और गीत गोविंद में देखने के लिए मिलेगा आपको फिगर्स एंड द क्लोथ्स आर ड्रॉन विद सिंपल फ्लोइंग डेलीकेट लाइन्स जो कपड़े है, वो simple, flowing, हैं वो सिंपल डेलीकेट लाइन्स से फ्लोइंग डेलीट लाइन से दिखाए गए हैं कृष्णा एंड गोपीज आर ड्रॉन विद द सेम प्रपोर्शन दस द ह्यूमन एंड गॉड्स आर गिवन द सेम स्टेटस तो एक तरीके से दोनों को भगवान को भी और गोपीज को भी सेम स्टेटस इस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की गई है तो ये जो पेंटिंग है वो शेतेंद्रनाथ मंजुमदार के द्वारा बनाई गई है रासलीला की गई है नेक्स्ट है द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज ड्यूरिंग विच ऑफ दीज नेशनलिस्टिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है वो इमर्ज हुआ कौन से नेशनलिस्टिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के दौरान तो ये हुआ था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के टाइम पर ठीक है तभी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो है इमर्ज हो रहा था मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो वो स्टार्टेड हुए थे नाइनटीन जीरो फाइव द वॉज अगेंस्ट द कॉल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल और तब ये मूवमेंट्स शुरू हुए थे एज इंस्ट्रक्टेड बाई गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ठीक है लॉर्ड कर्जन के जो जो उस टाइम पे जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे उनके गवर्न इंस्ट्रक्शन के द्वारा एमरजेंस ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मूवमेंट विच सपोर्टेड एंड एनकरेज द इंडिजीनियस आर्ट एंड कल्चर इस तरीके से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो है इस तरीके से मूवमेंट का पार्ट है और जो कि इंडिजीनियस आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट कर रहा था और इंकरेज कर रहा था रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्ट एंड रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आर्ट एंड कल्चर वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी कॉल द आर्ट मूवमेंट द सोल ऑफ सेल्फ रूल जो इन्होंने कहा है गांधी जी ने कि सोल ऑफ सेल्फ रूल अवनिंद्र नाथ टेगोर ई वी हैवेल नंदलाल बोस एंड चामिनी रॉय आर द एमिनियट पर्सनैलिटीज़ एसोसिएटेड विद द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ठीक है इस तरीके से ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की कुछ फेमस पर्सनलिटीज हैं तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ऑफ ऑफ फॉलोइंग आर क्रिएटिंग द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कौन सी पर्सनैलिटीज हैं जो कि पायोनीर हैं एक तरीके से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत के लिए माना जाता है उनको वो है अवरिंद्र नाथ टेगोर ठीक है नेक्स्ट है जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभनिंद्रनाथ टेगौर इसका करेक्ट आंसर है तो रूटेड इन द प्राइड ऑफ नेशनलिज्म द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एम टू रिवाइव द स्वदेशी वैल्यूज़ इन इंडियन पेंटिंग्स यहाँ पर जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का मेन पर्पज था कि वो स्वदेशी वैल्यूज़ लेके आ सके इंडियन पेंटिंग में जो कि आर्टिस्ट ने और रिफॉर्मर्स जैसे कि अभरिंद्रनाथ और ई वी हैवल ने लीड किया बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो है कलकत्ता में ऑरिजिनेट हुआ एंड शांति निकेतन ऑफ बंगाल बट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एज अ वॉइस अगेंस्ट द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एक वॉइस की तरह वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक आवाज़ की तरह ये खड़ा हुआ था ठीक है नाथ टेगो विद द विजन विद दिस विजन नाथ टेगौर इस्टाब्लिश द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इन सिक्सटीन ऑगस्ट एटीन नाइन्टी फोर एट कैलकाटा इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो इनको भी प्रिपेयर कर लेना कि इन्होंने नाथ टेगौर ने इस्टाब्लिश किया गवर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो कि कैलकटा में है सिक्सटीन ऑगस्ट को ठीक है एटीन नाइन्टी फोर में द इंस्टीट्यूशन वॉज लेटर रीनेम्ड एज द गवर्मेंट स्कूल ऑफ आर्ट इन नाइनटीन फिफ्टी वन और नाइनटीन फिफ्टी वन में से गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जो है रीनेम कर दिया गया उनका जो आइडिया है मॉडर्नाइजिंग मुगल एंड राजपूत पेंटिंग्स एवेंचुअली गेव राइज टू मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स मुगल और राजपूत पेंटिंग्स को मॉडर्नाइज़ करना उसकी वजह से जो है इन्होंने एक राइज दे दिया मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स के लिए ही वाज आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय विस्लर्स एस्थेटिसिज्म ठीक है वो एस्थेटिसिज्म से भी इन्फ्लुएंस थे ही ऑज ऑल्सो फाउंड द जर्नल कॉल इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑरियंटल आर्ट उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑरिएंटल आर्ट के नामक एक जर्नल भी फाउंड की टू इन्फॉर्म द पीपल दैट मॉडर्न इंडियन कुड बेनिफिट फ्रॉम देयर रिच पास्ट कि मॉडर्न इंडियंस जो हैं वो उनके रिच पास्ट से बेनिफिट हो सकता है उनको ही ऑल्सो स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग जापानीज एंड चाइनीज के उन्होंने अपने काम में चाइनीज़ और जापानीज़ कैलीग्राफी को भी इंट्रोड्यूस किया और उनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जैसे कि भारत माता गणेश जर्ननी जर्नीज़ एंड विक्ट्री ऑफ बुद्धा औरंगजेब एग्जामिंग द हेड ऑफ़ दारा समर फ्रॉम रितु सन्हार ऑफ कालीदास एक्सेट्रा तो इस तरीके से आर्टिस्ट के फेमस पेंटिंग्स भी आपको पता होने चाहिए वो पढ़ लेना उनके एम आ सकते हैं पेंटिंग के मीडियम ज़रूर पढ़ लेना कि कौन कौन सी पेंटिंग में कौन सा मीडियम यूज़ किया गया है पेंटिंग के आर्टिस्ट तो आपको पता ही होने चाहिए सो so, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं एंड गाइस आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो इससे पहले की जो वीडियोज़ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में उनको जरूर आप चेक कर सकते हैं एंड टेक केयर बाय